सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो यार जैसे कि आपको पता तो होगा ही कि मार्वल ने अब आर्मर वॉर्स को एक सीरीज से एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सब क्यों, क्या है, किस वजह से क्या है, चलिए बात करते हैं वीडियो में आगे। तो देखो यार, मुझे जहां तक लगता है कि आर्मर वॉर्स को एक मूवी में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन होगा बजट। तो मार्वल ने सोचा होगा कि जब इसका बजट इतना बढ़ ही गया है तो क्यों ना इसे डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करे, ना कि ओटीटी पे, कमाई भी ज्यादा होगी। और आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इसका बजट बढ़ कैसे गया। तो इस सीरीज का बजट बढ़ने का कारण होगा शायद आयरन मैन। जी हाँ, आयरन मैन। तो देखो अभी मार्वल की तरफ से जितने भी शोज आए उनमें से आधे के सीजीआई तो काफी ज्यादा घटिया थे। और अभी शी हल्क में तो हम उसके सीजीआई देख ही रहे हैं, उससे पहले मून नाइट में भी कोई इतने खास सीजीआई नहीं थे। और अगर बाय चांस मार्वल आर्मर वॉर्स में भी ऐसे वीक सीजीआई लेकर आता, वो भी टोनी के आर्मर के ऊपर, तो ऑडियंस कतई इन्हें माफ ना करने वाली थी, क्योंकि ऑडियंस शी हल्क को बर्दाश्त कर रही है वही बहुत है। तो इसीलिए डिज्नी ने सोचा क्यों पंगा लेना यार ऑडियंस से। वैसे मुझे तो डिज्नी का ये फैसला काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इनके शो तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे यार। जब मूवी की बात आई है तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस मूवी में हमें दिखने वाला है आयरन मैन, या फिर शायद आयरन मैन से दिखेंगे, वो भी एआई के रूप में। हाँ, अब आपने भी ये एआई वाली थ्योरी कहीं ना कहीं पर तो सुन ही रखी होगी। पता नहीं ये थ्योरी है या फिर लीक आया कहीं से, लेकिन जो भी है यार एक्साइटिंग तो लग रहा है। क्योंकि देखो यार, मूवी भी आर्मर वॉर्स है तो उसमें टोनी का होना तो लाजमी है, क्योंकि मूवी घूमेगी रोडी के आसपास और रोडी को वॉर मशीन बनाया है टोनी ने। तो हो सकता है हमें इस मूवी में टोनी रिटर्न दिखे, वो भी एक एआई के रूप में। और ऐसे भी लीक आ रहा है कि इस मूवी में जो एआई होगा टोनी का, उसे पेपर पॉट्स बनाएगी। लेकिन कॉमिक्स में तो आयरन हार्ट ने टोनी के एआई को बनाया था, और अब तो आयरन हार्ट भी एमसीयू में आने वाली है। अब यार देखो, आर्मर वॉर्स अब वो सीरीज नहीं रही जिससे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, वो अब एक प्रॉपर फिल्म बन चुकी है जिससे यार थोड़ी बहुत उम्मीद रखना तो बनता ही है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।